हाँ, गर्मा गर्म हलवा बन रहा है यहाँ, देख लो अभी पावा जी बना रहे हैं गर्मा गर्म हलवा। क्योंकि आजकल पर्यटन विभाग से होम स्टे की रिपेयरिंग के लिए कुछ फंड आया था, तो उसके फिलहाल चाचा जी ने ये बैनर लगा दिया इसको, अब यहाँ से फोटो खींचेंगे इसके। फाइनली यहाँ भी हो गया कंप्लीट, यहाँ इनके लिए बन रहा है चाय। मैं तो अभी के टाइम भविष्य बद्री घूमने लगभग 30 ट्रैकर जा रखे हैं, जो कि इंडिया हैक्स द्वारा जो ओके भाई, हमारे गांव के डॉक्टर साहब भी पहुंच गए, अभी पोलियो का टीपा खाने जा रहे। कल पोलियो है। ये 5 बज रहे हैं, भाभी जी जा रही है अभी गौशाला, यानी करीबन 9 बज रहे हैं। और कल दिन से जो बारिश स्टार्ट हुई थी, आज अभी भी लगी हुई है। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, होगी एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक खूबसूरत सुबह के साथ। सुबह का टाइम है, बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में यहाँ देख लो, सुबह उठते ही इनका हल्ला, क्या हुआ, क्या नहीं दे रहा हूँ, दे दे चले उसका, दे 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 दे। जाओ किचन में, जाओ जाओ। आज का प्लान पूरा फ्लॉप हो गया, यानी मुझे आज बहुत दूर तक जाना था लेकिन बारिश की वजह से पूरा कैंसिल हो गया है। यानी मुझे जाना था कर्णप्रयाग तक लेकिन बारिश की वजह से पूरा कैंसिल हो गया। फिलहाल इसको देख लो, चश्मा पहन के कहाँ निकल रहा है इस बारिश में, हैं? तो चलिए अभी हाथ मुंह धो लेते हैं और नाश्ता वगैरह रेडी हो गया है, तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आज की तैयारी। चलो भाई, इस ठंड के मौसम में आज गर्मा गर्म नाश्ता कुछ अलग ही बन रखा है, देखते हैं नीचे किचन में जा करके क्या बन रखा है। अभी बारिश हल्की हल्की कम हो गई है, रुकी तो नहीं है लेकिन हल्का कम हो गया है, तो सीधे किचन में निकलते हैं और नाश्ता। हाँ, गर्मा गर्म हलवा बन रहा है यहाँ, देख लो अभी पावा जी बना रहे हैं गर्मा गर्म हलवा, और वो भी पुराने यूनिक स्टाइल में, ये डंडे से बिल्कुल इसको घुमाना है। पुराने खाना है ये हमारा, पहले जमाने में बहुत ज्यादा बनाते थे, धीरे धीरे लोग केवल पूजा में यूज कर रहे हैं लेकिन घर में कभी नहीं बनाते। चलो आज ठंड के मौसम में ये ठीक है। क्यों बैठ रखा अंदर है, तने कहा गया? चलो भाई घी लेके भी आ, कहा है बता दो, इतना घी खत्म करेंगे अभी। थोड़ा चलो, तनी भी आ गया। हेलो हेलो, तनी जी हलवा बनकर रेडी हो गया है और अब इसको खाएंगे, क्यों, घी के साथ। अब वो चश्मा क्या पहन रखा है यहाँ अंदर, दूंगा हो रहा है, एक उसको देख लो वहां दरवाजा बंद कर, ओए इधर आ। जी अभी गर्मा गर्म हलवे का आनंद भी ले लिया है, बाकी इसने नहीं खाया, क्यों? सुबह उठते ही से नाश्ता कर दिया था, अभी बोला मेरी इच्छा नहीं कर रही। देख लो ना इसके सामने की पहाड़ियों पे, देख लो पूरा बर्फ, और इधर साइड बादल लगे हैं, वहां तो बारिश पड़ रही है, यहाँ हल्की हल्की अभी मौसम ठीक हो गया, तो कहीं चलते हैं अभी ऐसे मौसम में। यहाँ से जाना है चाचा जी और के यहाँ, क्योंकि आजकल पर्यटन विभाग से होम स्टे की रिपेयरिंग के लिए कुछ फंड आया था, तो उसके लिए एक फोटोज वगैरह भेजनी है, वो भी विथ बैनर सहित, तो चाचा जी ने वो बैनर वगैरह लगा दिया है, तो एक फ़ोटो खींच लेते हैं तो फटाफट, उसके बाद अन्य औरों के यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है, तो आज उनको वो फोटो और फॉर्म भर के भेज देते हैं। कि अभी बारिश थोड़ा बहुत रुक गई है, तो मंदिर साइड देख लो, और बारिश के बाद के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। समय 5-6 तारीख को यहाँ पे एक शादी होनी है, तो जो मैं पहले भी बता रहा था कि त्रियोगी नारायण होनी है। फिलहाल चाचा जी ने ये बैनर लगा दिया इसको, आप यहाँ से फोटो खींचेंगे इसके, यहाँ फोटोज वगैरह खींचकर जो फॉर्म है वो भर के वो दे दिया है, और अब है अनुजारों के यहाँ, और ऐसा फॉर्म वगैरह भरना है, ये तो हमारा है भविष्य होम स्टे का, तो इसको पूरा भर करके और एक फ़ोटो सहित पर्यटन विभाग में जमा कर, अनुजारों के यहाँ पहुँच गए हैं, और एक फ़ोटो इस वाले मकान भी खींचनी है, यानी इस तरह के 3 कमरे होम स्टे में कन्वर्ट है, तो इसके भी खींचने भी। फाइनली यहाँ भी हो गया कंप्लीट, यहाँ इनके लिए बन रहा है चाय।
मैं तो पीता ही नहीं चाय। दा चाची जी ने बना रखा चाय, तो चाय पियेंगे सब, मैं तो पीता नहीं। यहाँ से वापसी चलते हैं घर की ओर, बाकी बारिश भी फिर से होने वाली है, उससे पहले अपने होम स्टे और इनके वाला सेंड कर देते हैं, तो फटाफट निकलते हैं। आज ही वाला काम पूरा करना है, कल से फिर बारिश है और उन्होंने आज ही बोल रखा था कि जल्द से जल्द भी थोड़ा सा बारिश कम हुआ है। और ऊपर के पहाड़ों पे देख लो, बहुत शिवत्री साइड तो पूरा बर्फ आ गया है। बाकी अभी के टाइम भविष्यवद्री घूमने लगभग 30 ट्रैकर जा रखे हैं, जो कि इंडिया हैक्स द्वारा एक ग्रुप है, वो ले जा रखे हैं 30 लोगों को दर्शन कराने। तो थोड़ी देर में वो यहाँ आने वाले हैं दुकान पे, तो उनके लिए चाय वगैरह की व्यवस्था करी गई है, तो थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। वैसे तो वो 1 घंटे पहले निकल गए थे, तो पहुँचने वाले होंगे। कि उनके लिए यहाँ पे अंगीठी भी लगा रखी है, अगर किसी को ठंडा हो गया होगा तो उनके लिए यहाँ पे आग की व्यवस्था है। वैसे तो ट्रैकरों को ठंड वगैरह लगती नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रखी है उनके लिए यहाँ पे। और यहाँ पे सामने रही लकड़ियाँ, तो फिलहाल मैं सेक लेता हूँ उनके आने तक। वो ट्रैकर्स जो भविष्यवद्री घूमने आए थे, वो चाय समोसे वगैरह खा करके अभी वापसी निकल गए हैं। बाकी इनको ठंडा लगा था, तो हमने एगिटी की व्यवस्था कर रखी थी, तो अभी वो यहाँ से कच्ची गाँव जाएंगे, यानी बेस कैंप में। वो इंडिया हैक्स के मैं पहले ही बता रहा था, वो ग्रुप द्वारा आ रखे किसी कंपनी के थ्रू यहाँ दर्शन करने के लिए। वैसे तो वो पानी पास ट्रैक के लिए आए थे, लेकिन आजकल वहाँ बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही है, तो आज यहाँ तो बारिश हो रही है लेकिन उस क्षेत्र में बर्फ़ पड़ रही है, इस वजह से वो आज इस साइड आए। ओके बाय। ये 5 बज रहे हैं, भाभी जी जा रही है अभी गौशाला यानी दूध निकालने। आजकल रात छोटे हो गए है, इसलिए अभी जल्दी जा रही है भाभी जी। बारिश के टाइम पे जल्दी जल्दी गौशाले की ओर निकल रही। कल से बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं ले रखा, लगातार कल दिन से, और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो अभी तक लगातार बारिश ही हो रही है। बाकी भविष्यवद्री में जो नेचुरल मूर्ति है भगवान जी की, वो 12 महीने वो मंदिर खुला रहता है, लेकिन जो आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो गाँव में भविष्यवद्री मंदिर है, वो केवल 6 महीने के लिए खुलता है। और जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उसी टाइम वो भी खुलता है, और जब वहाँ बंद होते हैं और उसी टाइम हमारे गाँव के डॉक्टर साहब भी पहुँच गए अभी। पोलियो की टीपा खाने जा रहे? कल पोलियो है। कल 3 मार्च को नहीं है? अच्छा, अब 3 मार्च को पोलियो दिवस है, मुझे कुछ याद नहीं यार इस चीज का। पहले जनवरी में रहता ना। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। अब मार्च को है, इस बार मार्च में हो गया। चलो, वो तो आशा लोगों को ही पता होगा नहीं, डॉक्टर वेल एजुकेटेड डॉक्टर हमारे गाँव के।